ये अमृत काल और अच्छे दिन बीजेपी के लिए जितने ही अच्छे हैं और ऊंचे तबके के लोगों के लिए जितने ही अच्छे हैं, उतने ही विष काल दलित आदिवासी और पिछड़े तबके के लोगों के लिए है। मध्य प्रदेश में हुए मूत्र विसर्जन, जो कि प्रवेश शुक्ला के द्वारा किया गया, या यूं कहे कि प्रवेश शुक्ला ने जिस तरीके से एक आदिवासी पे पेशाब कर दिया, वो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। बात आज इसी पे करेंगे। मध्य प्रदेश में जो एक ब्राह्मण तबके से आने वाले, अपर कास्ट से आने वाले प्रवेश शुक्ला, जिन्होंने एक आदिवासी आदमी पर पेशाब कर दिया, और पेशाब ही नहीं, मुंह में सिगरेट दबाकर धुएं उड़ाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बात ये करेंगे कि ये सोच आती कहाँ से है। किसी इंसान पर पेशाब कर देना कोई छोटी बात तो नहीं है। ये अमानवीय घटना किसी जानवर के साथ भी नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बात इंसान की है। वही अगर आपको बता दें तो ये प्रवेश शुक्ला कोई आम आदमी नहीं है, बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि हैं, और ये बीजेपी के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। और ये आदिवासी जो इंसान है, वो प्रवेश शुक्ला के गांव का ही रहने वाला है। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने वाले दीनदयाल साहू, जिनकी मोबाइल रिचार्ज कंपनी का दुकान है, उन्होंने बताया है, जिसको न्यूज़ लॉन्ड्री ने पूरा छापा है। ये पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। यह घटना शाम 7:30 बजे से 8 बजे के आसपास की है, मेरी दुकान के ठीक बाहर की है। पीड़ित आदिवासी कोल समुदाय का है और बहुत ही सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है। मेरी मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। पीड़ित मेरी दुकान पर फोन रिचार्ज कराने आया था और दुकान की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी शुक्ला वहां आया और सीधे उसके मुंह पर पेशाब करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस दौरान मैंने भी कुछ सेकंड तक घटना का वीडियो बनाने के बाद उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी भी नहीं सुनी, क्योंकि वो ऊंचे तबके का है, पुलिस भी उसका साथ देती है। वो क्योंकि गुंडागर्दी कर सकता है, क्योंकि वो ऊंचे तबके से आता है। पब्लिक सर्विस में बैठे लोग, पुलिस हो या कोई भी, पहले जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ऊंचे तबके के जो लोग आते हैं, उनके कनेक्शन बहुत ऊपर ऊपर तक है, और फिर ये तो बीजेपी के विधायक का प्रतिनिधि है, फिर तो इसका कुछ और ही बात है। वहीं उसके आगे है, वह गांव में अक्सर गुंडागर्दी करता है, लोग उससे डरते हैं। वह अक्सर लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसी का साथ देती है। अब आप जान गए होंगे कि पुलिस, वहीं एक वीडियो और आई थी जिसमें वो पुलिस के साथ गिरफ्तार तो हुआ है, पर पुलिस के साथ वो एक आरोपी की तरह नहीं चलता दिख रहा, वो एक नवाब की तरह पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के वीडियो आने के बाद बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने, वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया था। जरा सुनिए, मेरे संज्ञान में सीधी जिले के एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि आपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और NSA लगाई जाए। NSA मतलब राष्ट्रद्रोह का एक्ट है, और राष्ट्रद्रोह पर लगाया जाता है। राष्ट्रद्रोह का एक्ट लगने के बाद भी इंसान गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हुई, और ये साफ तौर पर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये सिर्फ मानसिकता क्यों आती है, कहाँ से आती है, क्या ये सिर्फ ऊंचे तबके के लोग हैं इसलिए आती है? पुलिस और सरकार इनके सपोर्ट में है, इनको संरक्षण दे रही है, क्या इसलिए आती है? क्या आप, अगर आप दलित आदिवासी और नीचे तबके के, पिछड़े तबके में आते हैं, पिछड़ी जाति में आते हैं, तो क्या आपके साथ यही घटना होती रहेगी? लोग कब जागरूक होंगे और कब समझेंगे कि हमें ये, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए?
हमारा भी अपना एक अधिकार है और हम अपनी वही अगर बात करें कि अगर ये घटना प्रवेश शुक्ला की जगह किसी परवेज ने किया होता तो अब तक बजरंग दल एक्टिव हो गया होता और तमाम जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो अब तक पता नहीं क्या क्या तोड़फोड़ मचा चुके होते। लेकिन क्योंकि ये प्रवेश ना होकर प्रवेश शुक्ला है जो कि एक ब्राह्मण है, इस वजह से बजरंग दल भी शांत है और तमाम लोग जो हिंदुत्ववादी से आते हैं वो लोग भी शांत हैं क्योंकि ये एक ऊंचे तबके की इंसान ने किया है। सवाल यही है कि ये मानसिकता कहाँ से आती है और क्यों आती है, ऐसे हरकत करने के लिए सोच कहाँ से पैदा होता है, क्यों किया जाता है और आप कब तक ये सहते रहेंगे। ये अमानवीयता की जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।